दोबारा से बहुत ज्यादा मेंबर्स जो रह गए थे प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे ईद मिलन वाली में, तो उनके लिए मेंबरों की पुरजोर दरख्वास्तों पे आज री ओपन की है। तो ईद मिलन का जो इवेंट हो रहा है तीन शहरों में हो रहा है, एक कराची में हो रहा है ड्रीम वर्ल्ड में, दूसरा हो रहा है लाहौर में छांगा मांगा में, तीसरा हो रहा है पिंडी में मरी में। तो इन तीन शहरों में लोग जाएंगे ईद मिलन का इवेंट अटेंड करने के लिए। अच्छा, इसमें जो लोग कर नहीं सके थे 20 अप्रैल तक, अब वो इसमें कैसे जा सकते हैं? वो इसमें ऐसे जा सकते हैं कि 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, इन तीन दिनों में किसी भी प्रोडक्ट से अपने कोर्ट में सेव कर लें कितने 150 पॉइंट कर लें, वो ईद मिलन के इवेंट के लिए क्वालिफायर हो जाएंगे। चाहे वो मरी वाले इवेंट में जाना चाहे, चाहे वो छांगा मांगा वाले इवेंट में जाना चाहे, चाहे वो कराची में ड्रीम वर्ल्ड वाले इवेंट में जाना चाहे, इन तीन दिनों में 150 फ्रेश पीवी। इसमें ये बात ध्यान में रखिएगा, इसमें पहले के पीवी आपके काउंट नहीं होंगे। अगर किसी के कोर्ट में पहले 100 पीवी हो पड़े हैं, 200 पीवी हो पड़े हैं या 300 पीवी हो पड़े हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इन तीन दिनों में 150 फ्रेश पीवी आपको चाहिए इस इवेंट में जाने के लिए। आप इसमें अच्छा मर्जी की अपना किसी भी प्रोडक्ट से आप इसको आप कर सकते हैं। कोई सवाल? कोई अगर इसमें जीरो पीवी है किसी का तो वो अभी तीन दिनों में 150 कर ले, 150 कर लो उसको। तो मैं तो कहता हूँ उसको डायरेक्ट 600 कर लेने चाहिए, क्या फायदा होगा उसको? कितने बंदे 600 में कितने बंदे उसके फ्री हो जाएंगे ड्रीम वर्ल्ड के लिए? तीन नहीं, चार। हाँ वो तो 150 कर ले उसके, वो 100 भी हो जाएंगे जो बोनस के लिए, और 150 पॉइंट जो है। तो अगर वो 600 कर लेते हैं तीन बंदे भी फ्री हो जाएंगे, साथ में मलेशिया के लकी ड्रा के लिए भी अपना वो क्वालिफाई हो जाएगा टिकट के लिए। इस वक्त आप लोग एक तीर से देखें, बात यह है कि प्रमोशन होती है एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज छोड़नी नहीं चाहिए प्रमोशन में। मैं ये देख रहा हूं जो लोग प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन उनकी ग्रोथ हो रही है, उनके रैंक भी चेंज हो रहे हैं, उनके बोनसेस भी बढ़ रहे हैं। और जो लोग प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो स्टक हो जाते हैं वहीं पे, अपना रुके हुए हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। कहते हैं रुका हुआ पानी और रुका हुआ आदमी, ये दोनों सड़ जाते हैं। तो अब ये आपको अपना देखिए, कोई मशीन हो आपकी, कोई गाड़ी हो आपकी, कोई इंजन हो, कोई जनरेटर हो, कोई भी चीज हो, उसको आप खड़ा रख दें आप हैं तो वो खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जो लोग रुके हुए होते हैं, जो लोग कुछ करते नहीं है, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोग पीछे रह जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। इस वक्त तुम्हारे पास माशाल्लाह से 3-4 किस्म की प्रमोशन चल रही है, मलेशिया के टिकट की भी चल रही है, लकी ड्रा के जरिए। अच्छा बहुत सारे कहते हैं जी वो लकी ड्रा के जरिए अपना पता नहीं किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। चले जी किसी का नहीं निकलेगा तो उसको बोनस तो मिल गया, उसको प्रोडक्ट तो मिल गई, ठीक है, प्रोडक्ट भी मिल गई, उसका बोनस भी मिल गया। दूसरी बात ये कि जो कहता है कि मैं करूं तो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए चल रहा है एक मोबाइल विनर बना ले, एक मोबाइल विनर बना ले और अपने कोर्ट में 500 पीवी 4 महीने कर ले, 16 मिनट मेंबर से 25,000 जीपीवी कर ले, तो आप मलेशिया आप वो टारगेट अचीव करके मलेशिया जा सकते हैं। 30वीं सालगिरह का इवेंट हो रहा है मलेशिया में जिसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए होंगे, तो वो इवेंट आप लोग अटेंड करें। ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी करने से, कुछ करेंगे वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, हरकत करेंगे तो बरकत है, हिम्मत करेंगे तो अजमत मिलेगी आपको, हिम्मत ही नहीं करेंगे तो अजमत कहां से मिलेगी आपको? समझ में आ रही है बात? तो अब ये आप लोगों पे है कि अजमत हासिल करनी है या नहीं करनी, हरकत करनी है या नहीं करनी, बरकत लेनी है या नहीं लेनी है आपने। साथ में अच्छा टिकट वाली भी चल रही है और दूसरी मलेशिया का अपना वो स्टार रूबी वाली भी चल रही है और साथ में ईद मिलन वाली भी चल रही है। ये तीन तीन चार चार चीजें आप लोगों के लिए हैं। बोनस आप लोगों का जो मिलना है वो तो आप लोगों को मिलना ही मिलना है, इस चीज से आप लोग भरपूर अपना फायदा उठाएं। ये तीन दिन है, तीन दिनों में अपने फोन उठाएं, अपने फोन में थोड़ा सा जाएं